एक जिला एक उत्पाद के तहत इंदौर जिले में चिप्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी मदद के लिए आगे आई है, जहां जिले प्रशासन द्वारा आलू के प्रोसेस के लिए 8 DPR भेजी गई थी, जिसमें 6 DPR मंजूर हो गई है। वहीं आने वाले माह में जिले के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां आलू का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ प्लांट स्थापित हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत जिले में आलू और ड्यूरम गेहूं का चयन किया गया है, जहां पिछले दिनों कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान CM ने सभी जिलों को इस योजना को गति देने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार आलू प्रोसेसिंग के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 8 DPR भेजी थी, जिसमें से 6 DPR मंजूर हो गई है। 2 DPR नामंजूर होने के बाद अब कोल्ड स्टोरेज के लिए DPR भेजी है। पोटैटो और ड्यूरम को हम लोगों ने एक जिला एक उत्पाद में रखा है। पोटैटो इसके लिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 8 DPR भेजे थे, 6 DPR सेंक्शन हो गए हैं। 2 DPR में पोटैटो की जो फाइनल प्रोसेसिंग के लिए हम लोग डिहाइड्रेशन प्लांट चाह रहे थे, वो उस योजना में सेंक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उसकी जगह कोल्ड स्टोरेज हम लोगों ने सेंक्शन करवाने के लिए भेज दिया है। जो डिहाइड्रेशन के छोटे प्लांट्स हैं, इसमें 4-4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, जिसको पैक्स भी बोलते हैं, उसका क्लस्टर बनाया है। तो उन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्लस्टर्स के उससे एक प्लांट बनेगा और लगभग 25 से 30 गाँव के बीच में ऐसा प्लांट रहेगा। उसका डेली का जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहेगी 10 से 15 टन के बीच में रहेगी, तो बहुत सारे गांव लाभान्वित होंगे। जितना ही पोटैटो प्रोडक्शन होगा उनके यहाँ, उनको कहीं भेजने की जरूरत नहीं, उसी प्लांट में अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। पोटैटो चिप्स का जो शुरुआती फॉर्मेट रहता है, जिसमें कि डिहाइड्रेशन रिक्वायर्ड रहता है, यहाँ बालाजी वेफर्स हैं, डायमंड वेफर्स हैं, लेज है, ये बालाजी वेफर्स और डायमंड की तो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब ने कमिट किया हुआ है कि उनकी क्वालिटी कंट्रोल के तहत ये प्लांट रन करेंगे। और इनका सारा जो रॉ मटेरियल निकलेगा, ये डिहाइड्रेशन वाला डिहाइड्रेटेड जो रॉ मटेरियल रहेगा, वो सब बालाजी वेफर्स और डायमंड के उसमें मार्केटिंग हो जाएगी उसकी। देखा जाए तो वर्तमान में किसानों को अपनी फसल बेचने पर उचित दाम नहीं मिलते हैं, लेकिन उत्पाद प्रोसेस होने के बाद किसानों की आय दोगुनी से अधिक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग टुडेज मॉडर्न गुरुकुल has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management.